आज हमने एकदम आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में रेस्टोरेंट जैसा नवाबी पुलाव बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं नवाबी पुलाव। एक कप बासमती चावल लिया है, ये 150 ग्राम चावल है। इसे हम पानी से 3 से 4 बार अच्छे से धो लेते हैं। चावल को 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया है और चावल हमें तब तक धोना है हम ऊपर पानी डालें और पानी एकदम क्लीन दिखे। आप देख सकते हैं पानी एकदम साफ दिख रहा है, तब तक हमें इसे धोना है। ये पानी में निकाल लेती हूँ। 2 कप पानी डाल के इसे भिगोने के लिए रख देते हैं। आधा घंटा चावल को भिगो के रख देते हैं। चावल को भिगोए आधा घंटा हो चुका है तो एक बाउल में इसका पानी हम निकाल लेते हैं। ये चावल का पानी हमें फेंकना नहीं है, चावल कुक करने में हमें यही पानी का इस्तेमाल करना है। तो इसे अभी हम बाजू में रख देते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। 6 काजू और 6 बादाम लिए, इसे हम घी में थोड़ा फ्राई करके निकाल लेते हैं। ये काजू और बादाम हम पुलाव के ऊपर गार्निश करने के लिए फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। काजू और बादाम थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। 1/3 कप काजू बादाम और अखरोट का पीस लिया है, इसे भी थोड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। इसका भी लाइटली कलर चेंज हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इसे हम बाद में पुलाव के अंदर डालेंगे। 2 तेज पत्ता डालेंगे, 2 स्टिक दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 हरी इलायची, इसे मैंने ऊपर से थोड़ा खोल दिया है। खड़ा मसाला लाइटली भून लेते हैं धीमी आंच पे। 10 हरी मिर्च ली है, इसे मैंने ऊपर से एक कट लगा दिया है इस तरह से, ये अंदर डाल देंगे। धीमी आंच पे मिर्ची को 2 से 3 मिनट भून लिया है। चावल में से पानी हमने निकाला है, ये भिगा हुआ चावल डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चावल को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चावल को हमें एकदम हल्के हाथ से चलाना है, नहीं तो इसका दाना जो है वो टूट जाएगा। 2 मिनट इसे भून लिया है। चावल में से जो हमने पानी निकाल के रखा था यही पानी हम अंदर डालेंगे। तेज आंच पे 1 मिनट के लिए कुक किया है और आप देख सकते हैं पानी जो है वो बॉईल होने लगा है। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 80% तक इसे कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे चावल को 8 मिनट के लिए कुक किया है। चावल का पानी भी जल गया है, ये ड्राई हो गया है। आप देख सकते हैं चावल का दाना टूट रहा है लेकिन ये पूरा कुक नहीं हुआ है, चावल थोड़ा सा कच्चा है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रखेंगे। 6 काजू और 6 बादाम को मैंने फ्राई करके रखा था, इसके ऊपर में सिल्वर वर्क लगा रही हूँ गार्निशिंग के लिए, क्योंकि हम नवाबी पुलाव बना रहे हैं। इस तरह से ऊपर सिल्वर वर्क लगा लेते हैं, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं लगाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 5 मिनट हो गई है। 1/3 कप काजू बादाम और अखरोट हमने भून के निकाला था, ये डाल देंगे। घी में भून के रखा था ये डाला है। 100 ग्राम पनीर का एकदम छोटा छोटा क्यूब किया है। 100 ग्राम मावा कद्दूकस करके लिया है।
जिसे हम खोया कहते हैं, ये दूध का मावा है। हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चावल का दाना जो है वो टूटना नहीं चाहिए। दो टेबलस्पून एकदम गरम दूध डालेंगे। दूध को एकदम तेज गरम करके लेना है। गैस चालू कर देंगे, मावा अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। धीमी आंच पे 5 मिनट इसे कुक किया है। नवाबी पुलाव रेडी है। गैस ऑफ करते हैं। ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट रखेंगे, इसके बाद इसे सर्व करना है। नवाबी पुलाव रेडी है। काजू और बादाम को हमने सिल्वर वर्क से कोट किया था, इसी से मैंने गार्निश किया है। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।